खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। जिला ललितपुर, ब्लॉक मेहरौनी, गांव दरौना। 200 मीटर दूरी में सीसी रोड नहीं डला है। यहां से काफ़ी साधन निकलते हैं। 150 लोग रहते हैं इस मोहल्ला में और निकलता पूरा गांव है। यही रास्ता है पूरे गांव के लिए निकलने के लिए। पर सब लोग कह रहे हैं कि मैंने आज तक नहीं देखा कि यहाँ सीसी डला है, कभी नहीं डला। ये पास हो गया है, 5 साल पहले पास हुआ था, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हो गई नहीं है ये, जब से ये चकबंदी भई अकेली जो इसकी मिट्टी डली, बस इसके ऊपर और कुछ नहीं हुआ। एक दिन में कम से कम 200 लोग सीसी नहीं डला, बरसात में तो निकल ही नहीं पाते हैं। बरसात में काफी गड्ढे हो जाते हैं, लोग बागों को काफी परेशानी होती है। इसी से आप मान लीजिए गांव के 50% लोग परेशान, क्योंकि जो मेन रोड है, मेन रोड होने की वजह से काफी लोग इससे गुजरते हैं, निकलते हैं। गांव का जो मेन रोड, उस पर सीसी है, चूँकि जगह कंजेस्टेड है तो वहाँ नहीं निकल पाते हैं, वाहन नहीं निकल पाते हैं और काफ़ी परेशानी आती है, इसलिए वाहन अधिकांश वाहन इसी रोड से निकलते हैं। पैसा ले लो जो ले लो, जब तो बीती रहा अब कौन बीती है, चाय से आदमी गिरवे सड़क पर, चाय मारवे चाय जो चाय हुए, इसे क्या बीती धरी कर भी की इसे। तो पानी में गिर रहा है, उठ रहा है, वाहन कर रहा है, सो बेरे पट रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, जे हो रहा है, पुलिया है, सो पुलिया के लगा को टूट गया वो, सो ते ऐसी गिर रहा है, बच गई थी अब मोड़ी थे। इसमें ऐसा है मैडम कि वैसे तो मेन गली तो हुई निपट चुकी है, वहाँ की केवल एक हिस्सा रह गया है, क्योंकि वहाँ एक आबादी कम है, यहाँ एक ही मकान रहता, एक ही मकान है, और जो 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 गली है कच्ची वाली वहाँ है विवाद, वहाँ कुछ लोगों की निजी जमीन है। अब निजी जमीन वालों से हमारी बात हुई है तो हमने उनसे कहा भी था कि अगर आप लोग तैयार हो जाओ तो हम सीसी डलवा देंगे, कार्य योजना में इसको शामिल कर लेते, काम को कार्य योजना में शामिल करने के बाद तो सीसी करा दिया जाएगा। क्योंकि इस संबंध में जिनकी जमीन है उनसे हमने कई बार चर्चा की है, वो लोग तैयार नहीं हो गए। लेकिन भाई नाप रास्ता तो है, आम रास्ता है, लेकिन निजी जमीन में से निकलते हैं लोग पक्का सीसी कराने के लिए, जिनकी जमीन है उन्होंने मना कर दिया। वो उनकी है के श्रीवास्तव जो टीकमौड़ से विधायक है, अब वर्तमान तो नहीं है, लेकिन इसके पहले विधायक थे, अगली जो बहुत ही अब चुनाव हो गए तो वहाँ दूसरा विधायक बन गया। के श्रीवास्तव जी की जमीन है वहाँ, और उनसे हमारे उनके छोटे भैया से बात भी हुई इस संबंध में, अगर आप लोग एग्री हो जाओ तो हम ये सीसी इस तरफ से निकाल लेंगे पूरा, तो वो लोग एग्री नहीं हो रहे अभी, उनसे हमारी वार्ता चल रही है, अगर वो एग्री हो जाएंगे तो हम सीसी रोड डलवा देंगे। परेशानी वाली बात इसलिए नहीं है, वहाँ रास्ता गांव के लिए और रास्ता है, एक मेन रास्ता है यहाँ से इस तरफ से, तो वहाँ पूरा सीसी है, इस तरफ से भी पेपर वैक्स हो गया, मंत्री जी ने कराया था, माननीय मंत्री मनोहर लाल जी पंत हैं जो हमारे, उन्होंने गांव की समस्या को देखते हुए 2 पेपर वैक्स गांव के लिए दिए हैं, दरौना के लिए, नंदवाड़ा को भी दिया, दरौना को भी दिया, तो एक वो 8 सेंगर हैं जो उनके मकान तक गया पेपर वैक्स, दूसरा यहाँ से इस तरफ से बाजू से होते हुए और उस तरफ की रास्ता के लिए भी गया है, तो निकासी में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से कम लोग ही निकलते हैं। लगभग कितनी रास्ता छूटी हुई है वहाँ, होगी लगभग 100 मीटर के समथिंग। बीडीओ साहब का कहना है कि शिकायत आने पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसे बाइक नहीं दे सकते हम, काम हो जाएगा जो काम होना है। मैंने सिक्योरिटी से भी बात की तो उसने भी बाइक लेने से मना कर दिया, तो कहना है कि जैसे ही शिकायत आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी, अभी कोई शिकायत नहीं आई है। बजट की कमी नहीं है, जब एप्लीकेशन लगा देते हैं बजट तो आ जाता है तुरंत और काम होने लगता है, पर लोग हमें सूचना तो दें, हमें कैसे पता चलेगा कि किस गांव में कौन सा। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।